चलो तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर 2 है, क्लास 8 का चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशंस। तो देखो, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, देखो जैसे मान लो 2x है प्लस 3 = 5, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। और बोलता है इसमें इन वन वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल्स होना चाहिए? वन। तो देखो, तो इसमें जो एक्स है, एक्स टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक ही वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे कहीं है इसके साथ तो कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, है नहीं है। तो ये है इसका टॉपिक। तो इस तरह का इक्वेशन रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसे को मतलब तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं इस टोटल टर्म्स को इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इक्वेशन, है ना। और ये जो टर्म्स है इसको बोलेंगे वेरिएबल्स या वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? वेरिएबल। ठीक है, इसमें और क्या बताना है आपको? इक्वेशन का मीनिंग समझा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन का मीनिंग समझो। देखो, कभी भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो एक तराजू होता है ना, इस तरह से, इस तरह से रहता है ना तराजू। यस सर। और यहाँ पे रहता है इसका कांटा, यानी ये कांटा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इक्वेशन में क्या होता है, जैसे इधर है देखिए, ये वाला एलएचएस साइड में 2x प्लस 3 है ना, बीच में कांटा है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा? इक्वल टू का। उसके बाद इधर क्या है, मान लो 5, यानी जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 5। कितना है? 5। तो जो इधर वैल्यू है वही वैल्यू इधर है, यानी अगर यहाँ 5 दिया हुआ है तो इन सभी का जो भी प्रोसेस होगा इसका वैल्यू कितना जाएगा? 5। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो तो देखो, मान लो हम चीनी लेने जाते हैं तो 1 kg चीनी चाहिए हमको। ठीक है, उसका जितना भी प्राइस रहेगा रहता है ना, तो इधर 1 kg वेट चढ़ाएगा और इधर क्या चढ़ा देगा? चीनी, है ना। अब बताओ, अगर हमको 1 kg चाहिए और चीनी थोड़ा कम देगा या ज्यादा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कम देगा तो लेके आओगे? नहीं, और ज्यादा तो देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। अगर आप 1 kg लेने गए हो तो 1 kg चीनी चाहिए ही चाहिए, है ना। समझ में आया? तो यही है इक्वेशन का फंडा, यही इसका रूल है कि जो इधर है एलएचएस साइड, एलएचएस साइड जो है वही होना चाहिए किसके साइड? आरएचएस के साइड। यही रहता है इक्वेशन का मेन पर्पस, यानी दोनों साइड आपको इक्वल करना है। और यहाँ पे क्या दे देगा कि फाइंड करना है आपको कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स है ना, एक्स है ना, तो वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको एक्स दिया जा सकता है, वाई दिया जा सकता है, यानी ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर रख सकता है, छोटा एबीसीडी का। ठीक है, बड़ा भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादातर क्या यूज होता है? छोटा एबीसीडी का लेटर, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज होते हैं। ठीक है, समझ में आया इक्वेशन? समझ में आया इक्वेशन? ठीक है, चलो अब हम लोग इसको इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स माइनस टू इक्वल टू 7। एक्स माइनस टू इक्वल टू 7 बनेगा, बन जाएगा। देखिए एक्स यही रह जाएगा, इक्वल टू 7 ऑलरेडी का, ये माइनस टू है, इक्वल टू इधर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस टू हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, y प्लस 3 इक्वल टू 10। y प्लस 3 इक्वल टू 10 बन जाएगा। y को हम यही रखेंगे, 10 ऑलरेडी है, अब इस प्लस 3 को हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? y इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7।
ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना आपको, ठीक ना, समझ में आ गया? Yes, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, ठीक है, 6 इक्वल टू जेड प्लस 2, यहां पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग इधर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जब एनएचएस और आरएचएस को पूरी तरह से चेंज कर ले, यानी इधर का सारे पार्ट्स को उधर ले जाए और इधर के सारे पार्ट्स को इधर ले आए, तो साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जेड प्लस टू को इधर ले आए, इक्वल टू ये 6 इधर था ना, हम इधर ले आए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं, अब देखिए जेड हम यही रखते हैं, इक्वल टू 6 है पहले से, ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, तो जेड इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, ये हो गया आपका आंसर, देयरफॉर जेड इक्वल टू 4, ठीक है। और जहां पे फर्स्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद अगर कोई स्टेप आता है, इसमें इस तरह का एरो का साइन देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज, ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा उसमें हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, है ना, इस तरह साइन दे देंगे, ठीक है, याद रहेगा सभी को? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7, ठीक है, दिख रहा है ये? Yes, कैसे बनेगा ये, एक्स को हम यहीं पे रखते हैं, इधर है 17/7, ये देखिए ये प्लस में है ना, प्लस 3/7 इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो माइनस 3/7। अब देखिए ये फ्रैक्शनल क्या है, सबट्रैक्शन आ गया फ्रैक्शन वाला, ठीक है, 7/7 का जो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना टाइम में जाएगा, 1 टाइम में 1 × 17 माइनस, ये भी 1 टाइम में जाएगा डिवाइड, तो 1 × 3 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 माइनस 1 को 3 से करेंगे, 3 बाय 7 एक्स इज इक्वल टू 17 में से 3 जाएगा, बोलो 14 7 टू जा 14 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 आंसर। इस तरह का साइन दे रहे हैं हम लोग, दिस इंप्लाइज का, और यहां पे सेकंड स्टेप है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, सेकंड स्टेप में सॉल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद दिस इंप्लाइज का साइन देंगे, और लास्ट में जो आता है उसमें हम देयरफॉर का साइन देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो उतारो इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 5 क्या है क्वेश्चन, 6x = 12 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6x = 12 आसान है या भारी है, x is equal to 12, ये 6 multiply में है ना, क्या आ जाएगा ये divide में, 6 to जा जल्दी बोलो, 6 to जा 12, therefore x equal to कितना 2, इतना आसान सा है बच्चों वाला सवाल, ऐसे तुम लोग बच्चे ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बोलिए, t/5 = 10 t/5 = 10 हो जाएगा सॉल्यूशन आप लोग से, हो जाएगा? यस सर। ऐसा जब रहेगा तो आप लोग क्या करना है, ऐसे करना है t/5 = 10 कोई भी संख्या के नीचे 1 होता है, होता है ना? Yes, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे, ठीक है, 1 को जब t से करेंगे तो क्या हो जाएगा, t, और 5 को जब 10 से करेंगे तो 10/5 = 50 हो जाएगा ना, देयरफॉर t = 50 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया कंप्लीट, 7 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना 7। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बनाते हैं, क्या है 2x/3 = 18 सॉल्यूशन करते हैं ना, 2x है by 3 equal to 18
नीचे वन लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यस सर करो ना, तो 2x लिखेंगे, सॉरी 2x लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 2x, और 3 को जब 18 से करेंगे तो 54, उसके बाद क्या करेंगे, x is equal to 54 by, ये 2 यहां जाएगा ना, यस सर, यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवाइड आ जाएगा, बोलिए 2 2 जा 4, यहां से 1 बचा, 1 बन गया 14, ना 7, therefore x is equal to 27, ऐसा ऐसा साइन देंगे, हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यस, ये जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1.6 इक्वल टू y बाय 1.5, बन जाएगा ये, यस, हां बोलिए, Yes, sir. 1.6 equal to y by 1.5. इसके नीचे 1 दे सकते हैं? Yes, sir. जब y को multiply करेंगे 1 से तो कितना आएगा? Y. और 1.6 को multiply करेंगे 1.5 से. तो 1.6 into 1.5. हो जाएगा ना? बात आया समझ में ये? ठीक है? इसको multiply करिए. जल्दी से. हम भी करते हैं ना? करके देखते हैं. 1.6 5 36 का 0 हाथ में 3 5 एकम 5 और 3 8 भाई 16 एकम 16 0 8 6 14 4 हाथ में 1 2 1 और 1 2 के बाद दशमलव है ना कितना आ गया 2 y equal to 2.40 इतना हो जाएगा आंसर ठीक है या फिर क्या लिख सकते हैं y equal to 2.4 ये भी लिख सकते हैं सर बात आई समझ में बोलिए सॉल्यूशन तुम लोग मेरा YouTube वीडियो में चार चांद लगवा दो फेस ठीक आ रहा है देखो तो यस सर दाढ़ी मेरा ठीक आ रहा है अरे का हो गया तुम सब काट देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 9 7x माइनस 9 इक्वल टू 16 ठीक है सॉल्यूशन क्या है अल्लाह ने 7x इक्वल टू 16 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा ना यस सर 7x इक्वल टू 9 6 15 के 5 1 और 1 2 x बराबर 7 बटा 25 बटे 7 यहां पे लगेगा ऐसा वाला यहां पे लगेगा ऐसा समझ में है ना yes, ये हो गया आंसर देखते हैं मिला के आंसर कहीं हम ना गलत बना देंगे 2.1 यस सही है बिल्कुल सही चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं वो तो हो गया ना 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में 14y minus 8 equal to 13 ठीक है सॉल्यूशन करते हैं बन जाएगा आप लोग से 14y अगर आप लोग बहुत तेज हो 13 ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा ना यस सर y equal to 13 11 का 1 एक और एक दो इस और ये मल्टीप्लाई में है ना यहां जाएगा तो ये डिवाइड में कटेगा ये 7 से काटो तो 7 2 जा 7 3 जा देयरफॉर y इक्वल टू 3/2 बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको अलग टेबल से काटते हैं एक ही टेबल से काटना है ठीक है ना यस सर चलिए वेरी गुड सर आपने दिख रहे कैसे नहीं दिखेंगे यार क्वेश्चन नंबर अब हम 11 सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मेहनत करना पड़ता है 11 बोलिए 17 plus 6p equal to 9 बनेगा 6p को यहीं पे रखते हैं 9 ये 17 जो है इधर ले जाते हैं तो minus 17 हो जाएगा
सिक्स पी इक्वल टू ये 17 में से 9 को हम घटा देते हैं कितना आएगा बोलिए बोलिए 17 में 9 घटा दे यस तो 7 टू 8 बचेगा बच गया लेकिन ये साइन किसका रहेगा माइनस का यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस तो नंबर को माइनस कर दिए ठीक है उसके बाद साइन उसी का लगाया है जो डिजिट बड़ा रहता है ठीक है अब यहाँ पे हम लिखते हैं p इक्वल टू माइनस 8 बाय ये 6 यहाँ आ जाएगा ठीक है सेम टेबल से कट जाएगा 2 से 2 3 जा 6 2 4 जा 8 अब नहीं कटेगा देयरफॉर p इक्वल टू 4 बाय 3 ऐसे ऐसे साइन दे देना आप लोग और यहाँ लास्ट लिख देना है आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है 12 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ये जो एक्सरसाइज है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है ना x by 3 plus 1 equal to 7 by 15 ठीक है बन जाएगा सभी से बनेगा चलिए देखते हैं बना के तो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है x by 3 प्लस 1 by 1 लिख सकते हैं या फिर क्या करें बोलो ठीक है ठीक है यस सर तो फिर दो बार काम करना होगा ऐसा नहीं बनाते हैं इसको इसको ऐसे बनाते हैं x by 3 ये जो इधर है इसको इधर ले आते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7 by 15 इक्वल टू ये प्लस 1 जो है इधर ले आते हैं माइनस 1 हो जाएगा ठीक है अब इसका इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा देखिए 3 और 15 का एलसीएम लिया जाता है ना तो 3 से लगाते हैं 1 टाइम में ये 5 टाइम में 15 3 से 15 आता है ना और 5 दिया 15 15 यानी 15 हो गया ये ठीक है कितना बार में जाएगा ये 5 और 5 को जब x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 15 1 टाइम में जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 ठीक है अब इधर इक्वल टू क्या है माइनस 1 ठीक है ये हम मिटा देते हैं अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान है इसको 1 से इसमें गुणा करते हैं इसको इससे करते हैं ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो ये हो जाएगा 1 को जब इतना से गुणा करेंगे तो सेम रह जाएगा ना 5x माइनस 7 इक्वल टू 15 को जब करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 15 5x इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस 7 जो है इधर जाएगा तो प्लस 7 5x इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 15 में 7 जाएगा जल्दी बोलो कितना बचेगा लेकिन माइनस में रहेगा है ना एक्स बराबर माइनस 8 बाई ये 5 यहाँ आ जाएगा ना तो आंसर यही हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू माइनस 8 बाई 5 समझ में आ गया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है बाकी बात सब होमवर्क करके आए